दोस्तों, कोलकाता में खेले जा रहे वर्ल्ड कप 2023 के 37वें और भारत के 8वें मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा ने 24 गेंदों में 40 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम इंडिया को दिया एक मजबूत स्कोर। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा ने शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करते हुए साउथ अफ्रीकन बॉलरों की जमकर धुलाई करनी शुरू कर दी। लुंगी एनगिदी के फेंके गए तीसरे ओवर में 13 रन और पांचवें ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन उड़ाए। छठे ओवर की 5वीं गेंद पर कासिगो रबाडा ने रोहित शर्मा को कप्तान बुवामा के हाथों कैच आउट करवाया, लेकिन तब तक स्कोरबोर्ड पर 5.5 ओवरों में 62 रन का मजबूत स्कोर छप चुका था। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली पारी को संभालने मैदान में आते हैं और आते ही गिल के साथ मिलकर बाउंड्री लगाते हुए रन रेट को बरकरार रखते हैं। फिर 11वां ओवर लेकर आए केशव महाराज की शुभमन गिल के लिए डाली गई ओवर की तीसरी बॉल विकेटों का टॉप एज लेकर गिल्लिया उड़ाकर निकल जाती है। फिर सरेश अय्यर कोहली के साथ सदी हुई पारी खेलते हुए टीम इंडिया का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। सरेश अय्यर 87 गेंदों में 77 रन की बहुत ही शानदार पारी खेलते हैं, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली ने अपने जन्मदिन के दिन ही इंटरनेशनल कैरियर का 49वां नॉट आउट शतक लगाते हुए शतकों में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। दोस्तों, विराट कोहली का शतक ऐसे मौके पर आया है जब टीम इंडिया को विराट कोहली से रनों की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। मैच के आखिरी ओवरों में रविंदर जडेजा ने ताबड़तोड़ 15 गेंदों में 29 रन का योगदान देते हुए टीम इंडिया की पारी को 50 ओवरों में 326 रनों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका शमी, बुमराह और सिराज के होते हुए 326 रन का स्कोर चेस कर पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।